कि वो भी इसमें उनका हाथ बटाएं। और मैंने ये लिख दिया कि मैं पर्सनली इसकी मॉनिटरिंग कर रही हूँ, निगरानी कर रही हूँ, हर घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए। आज मुझे संतोष है इस बात का, इस सदन को ये बताते हुए कि रात के 2:45 बजे मुझे आखिरी मैसेज आया कि पांचों के पांचों कैंपों में भोजन वितरित कर दिया गया है और सब सरकार जेद्दा और दूसरी जगह फंसे लोगों को निकालने की पूरी कोशिश में लगी है। जेद्दा में भारतीय दूतावास को जरूरतमंदों को राहत देने को कहा गया है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। और लोगों की मदद करने के लिए वहाँ पे एक सेल बनानी चाहिए स्पेशल, तभी ये समस्या हल हो सकती है। अगर हम लाखों मजदूरों सबको वापस बुला लेंगे, डोमेस्टिक वर्कर सबको, उससे समस्या हल नहीं होने वाली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब में रह रहे 30 लाख भारतीयों से मुसीबत में फंसे अपने भाई बहनों की मदद करने की अपील की है। पिछले 10 सालों में सऊदी अरब में जबरदस्त आर्थिक ग्रोथ के बाद दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया से बड़े पैमाने पर लोग यहां रोजगार के लिए पहुंचे थे। इनमें सबसे ज्यादा ऑयल इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन कंपनी में कम मजदूरी पर काम करने वालों की संख्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं जब सऊदी अरब में सिर्फ रेगिस्तान दिखाई देता था, लेकिन जब दुनिया भर में तेल का कारोबार बढ़ा तो सऊदी की तकदीर बदल गई। सरकार से लेकर कारोबारी शेख तक हर कोई मालामाल हो गया। तेल से इतनी दौलत बरसी कि अमीरों के घर और गाड़ियां तक सोने के हो गए। लेकिन अब दौलत से पूरे होने वाले हर शौक पर संकट मंडराने लगा है। आज से करीब 200 साल पहले सिर्फ रेगिस्तान था ये इलाका। न ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, न ये शान और शौकत। रेत में रहने वाले बंजारों जैसी जिंदगी जीते थे सऊदी अरब के लोग। आज भले ही यहाँ के शेख दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हों, लेकिन 200 साल पहले गरीब देश समझा जाता था सऊदी अरब। लेकिन तब तेल युग आया और इस तेल युग ने सऊदी की तस्वीर बदल कर रख दी। तेल की खपत जैसे जैसे बढ़ी, दुनिया की नजरें घूमी सऊदी अरब की तरफ, जहां तेल का इतना अंबार था कि शायद जो कभी जिंदगी भर खत्म ना हो। इसी का फायदा उठाया सऊदी अरब ने और साल बीतते गए, सऊदी अरब अमीर होता चला गया। इस प्राकृतिक संपदा ने इस साम्राज्य को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बना दिया। लेकिन सऊदी की हालत पतली होने लगी। आज की तारीख में सऊदी के शेखों और यहाँ के राजघरानों की रईसियत किसी से छिपी नहीं है। दुनिया में अगर कहीं सोने के महल, सोने की कारें, सोने का हवाई जहाज देखने को मिलता है तो वो सऊदी अरब में ही दिखाई देते हैं। लेकिन सरकारी खजाना खाली होने से अब इन पर मुसीबत आने वाली है। सऊदी के शेखों के ऐशो आराम के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। देखिए, ये सऊदी के सबसे अमीर शेखों में से एक हैं, अल वलीद। और ये होटल नहीं, अल वलीद का आलीशान महल है, जहां कई कमरे खालिस सोने के हैं। ये शेख का पुतला भी सोने का है। अब देखिए, इस शेख का अपना खुद का बोइंग 747। इसके अंदर देखेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। इस प्लेन के अंदर भी हर चीज सोने की है। ये प्लेन नहीं, हवा में उड़ता हुआ 5-स्टार होटल है। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। कल तक सऊदी अरब दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार था, लेकिन एक चीज जो इस देश को दुनिया से अलग करती थी वो इस देश का सख्त कानून। यहां आज भी कोड़े मारने की सजा दी जाती है। बीच चौराहे पर तलवार से सर कलम कर दिया जाता है। 21वीं सदी है, सऊदी अरब ने तरक्की के मामले में कई शक्तिशाली देशों के साथ दौड़ लगाई, लेकिन सजा देने का कानून जो सऊदी अरब में है वो आज भी पाषाण युग का है। सऊदी अरब अपने सख्त कानून के लिए दुनिया भर में बदनाम है। छोटे से जुर्म पर भी यहाँ लंबी कैद, कोड़े, पत्थर मारने और सिर काटने जैसी सजा दी जाती है। यहाँ लगभग हर दिन एक शख्स को मौत की सजा दी जाती है। यहाँ की रिलीजियस पुलिस सड़कों और शॉपिंग मॉल में पेट्रोलिंग करती है। जो इस्लाम का अपमान करता है उसे पत्थर मारकर 10 साल की सजा